हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं एयर ब्रेक के बारे में। देखिए, मैकेनिकल ब्रेक और हाइड्रोलिक ब्रेक, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, ऊपर आपको लिंक दे रहा हूँ, ऑटोमोबाइल का एक प्लेलिस्ट है वो ओपन हो जाएगा, वहां से आप देख सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए एयर ब्रेक के बारे में, देखिए हैवी जो व्हीकल्स है हमारे पास, बस है, ट्रक है, उसमें एयर ब्रेक्स यूज होते हैं। तो एयर ब्रेक किस तरह से हमारे पास कंपोनेंट कौन कौन से है, उसकी वर्किंग कैसी है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है यहाँ पे सक्शन स्ट्रेनर होता है जो कि एयर को सक करता है। सक्शन स्ट्रेनर, देखिए ये स्ट्रेनर का मतलब क्या होता है, स्ट्रेनर का जैसे छननी, चाय छननी नहीं होती, तो चाय छननी की तरह ये छननी है, ठीक है। तो एयर, साफ हवा हमारे पास अंदर आए, ठीक है, उसमें ज्यादा जो पोल्यूशन है या मिट्टी है वो ना आए, इसलिए ये वाला पार्ट हमारे पास काम करता है। तो ये स्ट्रेनर है, सक करता है एयर को और साफ करके आगे भेज देता है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है कंप्रेसर। तो ये कंप्रेसर मेन पार्ट जो हमें यूज होना है, जो कि देखिए ये चलना किसके थ्रू है, ये चलना है हमारे पास इंजन की जो क्रैंकशाफ्ट है, उसी क्रैंकशाफ्ट से पावर लेके हमने ये कंप्रेसर चलाना है। तो ये कंप्रेसर जो चलेगा, ये करेगा एयर को कंप्रेस। अब एयर को कंप्रेस करने के बाद यहां पे आगे जाता है, यहां पे अनलोडर, यहां पे अनलोडर एक कंपोनेंट है, अनलोडर। ये अनलोडर वॉल्व क्या है, ये हमें आगे जाने देता है एयर को जब तक ये पूरा कंटेनर फिल नहीं होता। यहां पे ये अगला कंपोनेंट है वो है कंटेनर। देखिए हमें इसको फिल करना है, ठीक है, एयर आ रही है कंप्रेस होके और यहां पे फिल हो रही है लगातार। और ये देखिए ये कंटेनर काफी बड़ा दिया होता है ताकि इसके अंदर जो एयर है वो ज्यादा से ज्यादा आ सके, ठीक है, कंप्रेस्ड एयर है। अब जैसे जैसे फिल होता जाएगा, ये फिल हो गया, फिल होने के बाद अब अनलोडर वॉल्व का काम है। ये अब कंप्रेसर को नहीं पता ना कि वहां पे फिल हो चुका है या नहीं, तो ये अनलोडर वॉल्व है ये ऑपरेट होता है। तो जैसे ही ये पूरा फिल हो जाता है, जितना हमें प्रेशर चाहिए वहां तक प्रेशर पहुंच चुका है, उसके बाद अनलोडर वॉल्व रोक देता है, आगे एयर को नहीं जाने देता। और यहां पर ऊपर लगा देते हैं हम एक प्रेशर गेज और हम लगाते हैं रिलीफ वॉल्व। रिलीफ वॉल्व इसलिए, जब हमें हाई प्रेशर, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, ज्यादा ही प्रेशर बन रहा है, तो यहां से रिलीफ वॉल्व इसको रिलीज कर देगा एयर को, ठीक है। तो ये रिलीफ वॉल्व बनाना पड़ता है स्पेशल। उसके बाद हमारे पास यहां पे आगे आके आता है कंट्रोल वॉल्व। कंट्रोल वॉल्व, ये जो कंट्रोल वॉल्व है ये क्या करेगा, ये कंट्रोल करेगा आगे एयर जानी है या नहीं जानी है, ठीक है। इसका कनेक्शन जो होता है वो होता है हमारा पैडल के साथ, जिसको हम प्रेस करते हैं, ठीक है, ब्रेक लगाने के लिए जो पैडल प्रेस करते हैं उसका कनेक्शन इसके साथ होता है। तो जैसे ही हम पैडल को प्रेस करते हैं, ये कंट्रोल वॉल्व ओपन हो जाता है और जो कंप्रेस्ड एयर है वो आगे चली जाती है। और यहां पे ये देखिए चार व्हील के साथ, अलग अलग के साथ ये कंपोनेंट लगे हुए हैं। तो ये जो एयर है यहां जाएगी, तो यही की डायफ्राम होता है, डायफ्राम जो मूव कर सकता है। तो एयर जब आएगी, जो कंप्रेस्ड एयर आएगी, वो क्या करेगी, इस डायफ्राम को मूव कर देगी और उसके कारण आगे जाके कैम जो है वो मूव होगा। अगर आपको मैकेनिकल ब्रेक सिस्टम के बारे में पता है तो बहुत ही ईजी रहने वाला है। इसके बाद जो वर्किंग है क्या है, कैम मूव करेगा और वो ब्रेक शू को मूव करेगा। ब्रेक शू मूव होंगे तो हमारे पास जो ब्रेक लाइनिंग है वो ब्रेक ड्रम के साथ कांटेक्ट में आएगी और ब्रेक ड्रम को रोक देगी। ब्रेक ड्रम को रोकने का मतलब है कि व्हीकल के जो व्हील्स हैं वो रुक जाएंगे। तो हमारे पास क्या होगा, इस तरह से सिस्टम चलेगा और एयर जो है देखिए यहां से जब आएगी तो चारों टायर के साथ, चारों व्हील के साथ आगे कॉन्टेक्ट में बनाएगी और चारों व्हील्स को एक साथ प्रेशर देगी और उसके कारण क्या होगा कि पूरी गाड़ी रुक जाएगी। तो हमारे पास देखिए, जब हम पैडल को रिलीज करेंगे, छोड़ देंगे, तो यहां से जो कंट्रोल वॉल्व है वो क्या करेगा, एयर को एस्केप कर देगा और एनवायरमेंट में छोड़ देगा, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ब्रेक जब लगती है ना, एयर ब्रेक, तो उसके बाद जब पैडल रिलीज होते हैं आवाज अलग सी आती है, ठीक है। आप बड़े ध्यान से देखना, ये बसेस में आपको, ट्रक्स में आवाज सुनने को मिलेगी, वो एक्चुअली क्या होता है कि वो एयर रिलीज कर रहे होते हैं। तो यहां से देखिए एयर आई, कंप्रेस हुई, आगे वॉल्व ने आगे दे दिया और यहां पे जो है कंटेनर में स्टोर होती रहती है और वो जो एयर है आगे जाके कंट्रोल वॉल्व के थ्रू आगे जाती है कहां, व्हील्स के पास, और व्हील्स में
किसके साथ? ब्रेक ड्रम, ब्रेक ड्रम के अंदर ब्रेक शू, वो ऑपरेट होते हैं तो ब्रेक लगती है। इस तरह से आप एयर ब्रेक को समझ सकते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि आपको एयर ब्रेक समझ आए। अगर आपको समझ आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और मेरी बनाई और ज्यादा वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो सर्च बॉक्स में लिखिए अपने टॉपिक का नाम और साथ में लिख दीजिए गियर इंस्टीट्यूट। अगर मैंने उस टॉपिक पे वीडियो बनाई तो आपके सामने आ जाएगी। थैंक यू सो मच।